क्या लगा ये क्या काम? हे भगवान, राख से बर्तन साफ हो रहे हैं इधर। बर्तन, हाँ हाँ बर्तन ही साफ हो रहे हैं। मार खाएगी तू। क्या हालत होगी मुन्नु की जब मुन्नु को थप्पड़ बजेंगे ताई जी से। जूतेड़ी सेल लाई रही तुसे ना दीदी, दिवाली ऑफर है यो तो मुफ्त रे में लेने आए बस जूते पार खा जोड़ी आई पर एडी जोड़ी आ घर में नहीं और ये इधर दिवाली की तैयारी चली है। गोबर है ये गाय का। और ये हमारे इधर पड़ोस वाले दादी आए हैं, हमारी गाय बीमार हो गई थी तो वो गाय को देखने आए थे। आधे अमरूद बंदर खा गए और आधे से लड़की खा गई, हमें तो कुछ बचा ही नहीं। और इधर ये देखिए हीरा और मोती, हीरा और मोती के लिए घास लेने जा रहा है ये। और एक बैड न्यूज़ देती हूँ मैं आपको, हमारी जो गाय थी ये तो दादी की है ना, दादी वगैरह दादी और अंकल की मतलब, जो हमारी थी बेचारी वो नहीं रही अब इस दुनिया में। ले कलर हो गया शॉप पे भी। देखो हमारी वाली शॉप पे ब्रेड भी नहीं होती। बता क्या लेके आई? गरीगोड़ा, गरीगोड़ा बोलते हैं इसको दो गरीगोड़ा लेके आई, 2 रुपए में एक गिर गया मुझसे दे आधा कर तो फिर तू बोले जूठा नहीं खाना तो मैं बोले मैंने इसको पहले बोला कि कर दे इसको हाफ कर दे ऐसे क्या फोन नहीं लिया ना, बोलते जूठा नहीं खाती मैं जाओ गिर गया उसको उठा ले। मार जो क्या लेके आए? नॉन वेज नहीं होता है, एग लेके आए। ठीक है चुप हो जा थोड़ी देर। एग लेके आए, मैं इनका रेट बताती हूँ आपको, 6 रुपए में एक अंडा मिलता है हमारे इधर, आपको उधर पता नहीं कृपा करके कमेंट में बताइए, बहुत ही जरूरी मसला है, बहुत जरूरी नहीं हुई बहुत ही मतलब बड़ा भारी, क्या बड़ा ही भारी पता नहीं कैसा मसला है पर है जरूर इम्पोर्टेंट भी जरूरी हुआ, जरूरी नहीं घातक नहीं।
हम भाई बहुत ही खतरनाक मसला है भैया, खतरनाक नहीं यार पता नहीं क्या है। आज मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया कि जो कोई भी जा रहा है मैं अपना कैमरा ऑफ नहीं कर रही हूँ। ये देखिए सुभाष भैया भी आ गए, ये चिराग है, ये सुभाष भैया है, भैया नहीं ताऊ चाचू है। देखिए कैसे गांव की छोटी दिवाली, आप लोग देख सकते हैं कि बच्चा अपने पापा को ऑफिस से आते ही जिद करने लगे, पापा क्या लेके आए, धमाके लेके आए, छोटी दिवाली है आज। अभी शाम के 5:30 हो चुके हैं और जो भी आपने देखा जेसीबी मशीन थी एक, उसके अंदर कुछ था तो वो हमारी गाय थी। थोड़ा बहुत बता देती हूँ मैं, थोड़ा ज़रूरी है आपको बताना, सब कुछ शेयर करती हूँ। तो जैसे कि मेरी वीडियोस में होता है कि विलेज लाइफ होती है ना, विलेज लाइफ से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो जैसे कि हम कभी कभी घास लेने जाते थे तो उसकी वीडियोस भी मैं शेयर करती थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो थोड़ा सा बता देना चाहिए आप लोगों को भी कि हमारी जो गाय थी वो प्रेग्नेंट थी, फिर उसका बेबी हुआ, मतलब बेबी हुआ वो मरा हुआ था, मतलब कि उसके पेट में ही मर गया था। फिर उसके बाद गाय की भी हालत ठीक नहीं थी, जब से उसने अपना बेबी खोया था उसके बाद से उसकी हालत डे बाय डे खराब होती गई। और आज उसको 6 या 7 दिन हो गए थे, बहुत प्रॉब्लम में थी बेचारी। तो बस आज ये भी नहीं रही, बस इतना ही बोलना है मुझे। ढक्कन नहीं है, ये जूते किस रहे है? कसम से ये बुरे ये लेके जाती थी मैं उधर पहनने के लिए जब डिनर करने जाते थे हम। ओए ओए तेरे को शर्म भी है, रात को नहीं पत्ता निकालते क्यों? नहीं चाची जी को लेके आना तू, शाना की मम्मा को। अच्छा कौन जाएगा? दोस्त जाएगा इसका। अच्छा ठीक है तो फिर बस में ही जा रहे है। आज हमारी माता के मंदिर में जगराता है, बहुत बड़े वाला धाम भी है, तो उधर जा रहे हैं सब लोग, जल्दी करो। ठीक है ठीक है जाओ। बाय।